नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के दौर शुरू हो गया है। इस बीच कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर पुलिस द्वारा समितियों को विशेष हिदायत दी जा रही है। रजगामार पुलिस चौकी में प्रभारी ने दुर्गा व दशहरा उत्सव समितियों की बैठक ली और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उन्हें जरूरी निर्देश दिया गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही अनावश्यक भीड़ भी नहीं जुटाई जा सकती। उत्सवों के दौरान फेरी लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कुल मिलाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही दशहरा को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाती रहेगी। जी सर, बताएंगे आज के बैठक के बारे में। आज दिनांक को रजगमार में दुर्गा समिति और दशहरा पुतला दहन के लिए आयोजक समितियों को तलब किया गया था, जिसको वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त SOP को पढ़कर समझाया गया है, जिसमें साफ तौर पे डीजे नहीं लगाने और फेरी करने से जो है मना किया गया है। COVID-19 के पालन करने हेतु निर्देश दिया गया है। पेट्रोलिंग की बात करें तो सर, किस प्रकार के पेट्रोलिंग का क्या व्यवस्था रहेगा? पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था है, जिसमें पेट्रोलिंग गाड़ियां रहेगी हमारे पास और अलग से कर्मचारी तैनात रहेगा, जिसमें विसर्जन में भी कर्मचारी तैनात रहेगा और अलग से पेट्रोलिंग गाड़ियां रहेंगी। रजगमार से KSN 24 के लिए अंकित जांगड़े के साथ मनोज दिनकर की रिपोर्ट।